सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। मोदी साहब नू ते उन्हां दे जेड़े भगत अंध भगत है उन्हां नू एक संदेश देना चाहना, पागल झोटा जो हो जाता है तो उन्हों अपना रोकण वास्ते कुछ ना कुछ करना पैंदा। मोदी सरकार कोई ना कोई घुसपैठ करके उहदे विच करोना वाड़ सकती है, उहदे विच घुसपैठिए वाड़ सकती है और संघर्ष नू फेल करन दे वास्ते पहला भी यतन कर रही है। पंजाबियों नू एसटीमेट अंडर एसटीमेट किया, पहले ही इंडिया दे विच 27 करोड़ लोग बिलो पावर्टी लाइन है। जे मोदी दीआं पॉलिसियां दे नाल 100 करोड़ तो भी वध लोकी होर गरीब हो जाते हैं जां बिलो पावर्टी लाइन आ जाते हैं। 137 करोड़ आबादी नूं गरीब बनाने लई पावर्टी दे विच धक्कण दे वास्ते कानून लैके आए आ, बहुत सारे सीनियर अधिकारी आए आ। साडे गुरु साहब दे साहबजादियां ने ते उहनां दे पुत्रां ने मुगलां दा तख्ता पलटा दिता सीगा। ये तुहाडा तख्ता जिहड़ा आ ये लोकी पलटन वास्ते जिहड़े सिंघू बॉर्डर ते आए आ ये पलट के जाणगे। उह तां अंग्रेजां नूं भी नहीं रहिण दित्ता पंजाबियां ने, ते ये किहड़े खेत की मुली आ इहनूं भी भजा देंगे। मेरा नाम SR लद्दड़ है जी, मैं रिटायर्ड IAS ऑफिसर हाँ। तो अज असी सारे इत्थे आर्मी दे अफसर, सिविल दे अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत वड्डे वड्डे अफसर मोहाली दे विच जिहड़े सैटल है वह अपने इकट्ठे होए आ कि पिछले महीने तो वध समय तो किसानां दा जिहड़ा संघर्ष चल रहा वह असी सारा मीडिया पढ़ते हैं सुनते हैं। तो सानू ये लग रहा है कि मोदी सरकार एक बहुत वड्डा अन्या इनजस्टिस करन जा रही है, कर चुकी है। जिस तरह सानू पता है कि राज्यसभा दे विच भी बिना मजोरिटी दे उन्होंने एक कानून पास किया है और फिर वड्डा धोखा ये किया है कि जिहड़ा फार्मिंग आइटम है, एग्रीकल्चर है, ये अपना स्टेट सब्जेक्ट है, ये अपना जिहड़ा अपना उन्होंने कमर्स के अंडर लिया के उतों अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने फार्मर की डेफिनेशन दी हुई है तो एग्रीकल्चर के नाल संबंधित एक्ट नू अपना पास किया, 3 एक्ट पास किए हैं जेडे 100% जे 100% तो भी वध कोई परसेंट है जो एक किसान विरोधी है। आम लोग सारे महसूस करते हैं, पढ़े लिखे महसूस करते हैं, लेकिन ये क्यों पास किए गए ये एक समझ की जी गल है मैं तुहानू हिस्टोरिकली दसनी चाहांगा कि अपना मोदी सरकार ने किसानां नू अंडर एसटीमेट किया, पंजाबियों नू एसटीमेट अंडर एसटीमेट किया। जदों पंजाब अंग्रेजों ने अधीन किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिहड़ी है एक बिजनेस कंपनी सी, उन्होंने 200 साल साडे देश ते राज किया। लेकिन ज्यों ही पंजाब ते राज करना शुरू किया तो विद्रोह होना शुरू हो गया और उन्हों का जिहड़ा तख्ता आ थोड़ा थोड़े समय च ही पलट दिता गया। देश की आज़ादी के संघर्ष के 85% जिहड़ियां कुरबानियां या शहीदियां या पंजाबियों ने पाइया। अज उही समा फिर आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अबानी अडानी आ गए आ, क्योंकि उन्हों का अगले 25-30 साल के बिजनेस जिहड़ा तेल का, डीजल का, पेट्रोल का, तो अपना कोयले का वह खत्म हो जा रहा, रिसोर्स खत्म हो रहे हैं। तो ये जिहड़ा बिजनेस है अनाज का ये खत्म नहीं होना कदे भी जब तक मनुखता आ, जब तक अनाज है। और ये अनाज के बिजनेस में घुस रहे हैं, क्यों घुस रहे हैं? क्योंकि जिहड़ा अपना अबानी तो अडानी है इन्होंने हमेशा अपना समय दियां सरकारां नूं परचेज किया, खरीदया। जिहड़ा अपना मोदी है तो BJP है, इन्हां दी होंद भी इन्हां दे पैसे करके आ। और इन्हां नूं ये पैसा जदों इन्हां ने इहनूं इलैक्शन जित्तण लई दित्ता तो ये इन्हां दी मर्जी दे कानून बना के लैके आ रहे हैं। पहले ही इंडिया दे विच 27 करोड़ लोग बिलो पावर्टी लाइन है, 137 करोड़ की आबादी चों जे मोदी दीआं पॉलिसियां दे नाल 100 करोड़ तो भी वध लोकी होर गरीब हो जाते हैं जां बिलो पावर्टी लाइन आ जाते हैं तो इहदे मित्रां ते कोई असर नहीं पैंदा, बिजनेसमैन ते कोई असर नहीं पैंदा। लेकिन इन्हां दी इह समझ गल नहीं आ रही कि जिहड़े जिहड़ी फौज है जिहदे अज ब्रिगेडियर रैंक दे, कर्नल रैंक दे अफसर इत्थे आए आ, IAS अफसर आए आ, डॉक्टर आए आ, इंजीनियर आए आ, ये सारे किसानी दे विचों आए आ। मेरा पिता भी किसानी करता सी, खेती करता सी, मैं पढ़ लिख के अफसर बन गया। तो ये अपना 137 करोड़ आबादी नू गरीब बनाने लई पावर्टी दे विच धक्कण दे वास्ते कानून लैके आए आ। इन्हां नू ये समझ नहीं है कि लोकी जदों खड़ गए
तो ये ना मोदी लभना है ना बीजेपी लभनी है, ये अपना समा रहने हैं। मैं एक होर गल दसनी चाहना कि जेड़ा पंजाब का किसान है, सिख किसान है, ये उस तरह का किसान नहीं है उड़ीसा के किसान वर्गा। हालांकि किसान सारे साढ़े भरा आ, कोई गरीब है कोई अमीर है, लेकिन जो मादा एजिटेशन का संघर्ष का जो पंजाब के किसानों के जो लीड इन्होंने लिती है, ये इंडिया के कितने भी नहीं है। और इन्हों समझ लेना चाहिए कि इन्होंने किसी भी पोलीटिकल पार्टी की अपनी हमायत नहीं ली और ना ही कोई गड़बड़ की है। मैनू जो इको एक खदशा इस संघर्ष को लेके है तो वो ये है कि अपना मोदी सरकार कोई ना कोई घुसपैठ करके वो करोना वाड़ सकती है, वो घुसपैठिया वाड़ सकती है, और संघर्ष को फेल करने के वास्ते पहले भी यतन कर रही है। कदे कंगना रनौत को ले आती है, कदे किसी होर ले आती है, तो फालतू के बयान देती है। कल एक होर बयान आया इतों अपना कोई रतन लाल कटारिया नाम का सियासी बंदा आ, वो कहता कि पागल झोटा जो हो जाता है तो उन्होंने अपना रोकने वास्ते कुछ ना कुछ करना पैंदा। मैं इन्हां दी बुद्धि ते हैरान हाँ, बीजेपी के लीडर की, कि यह पागल झोटा किनू कह रहा कि किसान पागल झोटा है। किसान जेड़ा जमीन की हिक पाड़ के धरती माता दे विचों अपना अनाज पैदा करता और साढ़े 137 करोड़ लोगों का पेट भरता, कि वह पागल झोटा है? मतलब मैं हैरान हाँ इन्हों की बुद्धि से। मैं ये समझ नहीं लगती कि जिहड़ी गल किसानां नाल करनी आ वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वो मध्य प्रदेश जाके स्टेटमेंट क्यों दे रहा? वो सिंघू बॉर्डर जिहड़ा उतों 15 किलोमीटर है उत्थे आके उहदे वास्ते 15 मिनट कढ़ के उन्हां दी गल नहीं सुन सकता? तो जो सरकार अज अड़ियल रवैया लैके बैठी है, ये सरकार नूं इन्हां दा अड़ियल रवैया लै बैठेगा। ये भुल जाएंगे इन्हों के कोल अज मजोरिटी है, ये सरकार आंदियां रहनियां या जांदियां रहनियां। ये एमरजेंसी वर्गे ला भी इत्थे आए और चले गए, सियासी बंदे ते पब्लिक नूं चक चक के अंदर जेलां च भरिया, ते सरकारां गईयां सियासी बंदे गए। पंजाब दे किसान, देश दा किसान अज डिटरमिंड है कि वह उस धक्का जिहड़ी सरकार शरेआम कर रही है वह सहण नूं तैयार नहीं है। और ये असीं इन्हां दे नाल अपनी जिहड़ी एकजुटता आ, सरदार कुलवीर सिंह IAS अफसर रिटायर्ड आए हैं, बहुत सारे चीफ इंजीनियर आए हैं, पेंडर साहब आए हैं, साडे सैशन जजेस आए हैं, साडियां लेडीज़ आई हैं, साडे जेंट्स आए हैं, साडे इंजीनियर ते बहुत सारे सीनियर अधिकारी आए हैं। ये किसानां नूं अपना सॉलीडैरिटी शो करन लई कि तुसीं कल्ले नहीं है, भावें असीं सिंघू बॉर्डर ते नहीं पहुँचे पर असीं इत्थे अपने घरां दे विच असीं सड़कां दे उतर के उन्हां नूं ये दसना चाहते हैं कि असीं तुहाडे नाल हैं, तुसीं घबरायो ना, सारी देश की जनता तुहाडे नाल है, हर पढ़िया लिखिया वर्ग तुहाडे नाल है, लिखारी तुहाडे नाल है। साडे ओलंपियन अजीत सिंह भी आए हैं, जिहड़े गगन अजीत सिंह दे फादर है, वह भी इत्थे खड़े आ। सारे वर्गों के लोग साडे इत्थे प्रोटेस्ट दे विच हाज़र है और मोदी सरकार नूं कोस रहे आ कि तुसी अज पौ महीने की ठंड के विच खुले आकाश के थले साडे किसान भरावां नूं बिठाया होया ये जिहड़ा अत्याचार है, ये पंजाब की जनता ते देश की जनता सहन करन लई तैयार नहीं है। तुसी बाज आ जाओ, नहीं तां तुहाडा जिहड़ा आ मलिया मेट जिहड़ा हैगा लोकां ने कर देना आ, जिन्नी छेती समझोगे उन्ना ही ज़्यादा चंगा आ। मैं मीडिया के राही मोदी साहब नूं ते उन्हां दे जिहड़े भगत अंध भगत है उन्हां नूं एक संदेश देना चाहना कि पोह दा महीना चल रहा, 9 साल ते 7 साल दे जिहड़े साडे दो साहबजादे सरहंद दीआं कंधां दे विच शहीद हो गए सी, माता गुजरी ने शहादत दित्ती सी, ये उन्हां दे बच्चे आ, गुरु गोबिंद सिंह दे बच्चे आ जिहड़े किसान अज जाके सिंघू बॉर्डर ते बैठे आ। ये जे वह 9-9 साल दे बच्चिआं ने, 7 साल दे बच्चिआं ने अपना उस वेले मुगलां दी जिहड़ी ईन नहीं सी मन्नी, तो जिहड़े साडे पंजाब दे किसान है ये भी ईन नहीं मन्नणगे। वो साडे गुरु साहब दे साहबजादियां ने ते उन्हां दे पुत्रां ने मुगलां दा तख्ता पलटा दिता सीगा। तो मोदी मैं तुहानू कहना चाहना आ, तुहानू मैं अज रिस्पैक्टेबल श्रीमान ते प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहा, तुहानू मैं एक वो संबोधन कर रहा जिहड़े लोगों के आक्रोश है, लोगों के गुस्सा आ कि ये तुहाडा तख्ता जिहड़ा आ ये लोकी पलटन वास्ते जिहड़े सिंघू बॉर्डर ते आए आ ये पलट के जाणगे। तुसी बाज आ जाओ, समा रहिंदे आ, समझ आओ ये लोगों का जिहड़ा रोह है ये अगे तुहाडी एक नहीं चलनी। इसलिए मोदी जी नूं ये बेनती है कि वह इन्हां कानूनां नूं वापस लै लवे, जे लै लेगा वापस
चंगा रहेगा, नहीं तो फिर जो हाल इतों तो अंग्रेजों भी नहीं रहन दिता पंजाबियों ने, तो यह कड़े खेत की मुली आनू भी भजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।